आप देख रहे हैं न्यूज स्माइल, मैं रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। आज हम लोग नासिकगंज बस टर्मिनल में हैं। देखिए बहुत ही सुंदर तरीका से बनाया गया है, लेकिन कुछ देरी आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए कितना कीचड़ है, बारिश का पानी जो काफी जमा हुआ है, बहुत ही देखिए आने जाने में रास्ता कदी से हिल के जाना पड़ेगा। फिर आगे हम अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि इधर आइए, कितना बेहतरीन क्वालिटी ढंग से बनाया गया, लेकिन एक भी इसमें सवारी का पता नहीं है। देखिए पूरा एक खाली पड़ा हुआ, ना एक भी बस आता है ना एक भी सवारी आते हैं। आप इधर से बोलिए, दिखाइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेंट्स का बाथरूम, जेंट्स का बाथरूम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ताला लॉक है। एक जो बस टर्मिनल होता है उसमें इस बाथरूम खुला होना चाहिए, बहुत सारे यात्री आते हैं जो बाथरूम लग जाएगा, लेडीज भी आती है तो इसमें बाथरूम करने, तो जेंट्स है, देखिए इधर लेडीज का बाथरूम लिखा हुआ है, जो हैंडीकैप यानी कि विकलांग, हैंडीकैप के मतलब होता है विकलांग लेडीज, इसमें भी ताला लगाया गया है। जो भी कोई इसमें यात्री आएगा वो बाथरूम करने कैसे जाएगा? देखिए शौचालय खुलने का समय दिया हुआ है 5 बजे से 10 बजे, 5 AM to 10 AM सीधा लिखा हुआ, 5 AM से PM 10 AM, लेकिन सीधा बंद है। हम लोग अभी 11 से 12 बज रहा है, इसके बीच में हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाथरूम बंद पाया गया सारे तरह के। देखिए इधर आइए, काफी दयनीय हालत है, कभी इसमें झाड़ू साफ सफाई नहीं होती है, तार सब गिरा पड़ा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ, सूखा कचरा, सूखा कचरा नप नासिकगंज 15। देखिए ये भी गिरा हुआ है, बताइए इस तरह के जंजर स्थिति। जो इसमें नल लगाए गए हैं, देखिए एक भी नल में पानी नहीं, एक भी नल में पानी नहीं, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। न साफ सफाई है, चारों तरफ से घास लगा हुआ है, ये क्या है भाई? ये देखिए बहुत ही अच्छा चीज मिला, देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दारू बंद है और इतने खोल कहाँ से मिल रहा है। देखिए एक नहीं, दो नहीं, तीन, ये सारा इसमें एक अड्डा बना हुआ है, ये नासिकगंज बस टर्मिनल में अड्डा बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, इस पर ध्यान दे। देखिए कितना खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए सब सारा प्लास्टिक के गिलास बने, इसमें दारू का अड्डा बना हुआ है। मैं दूसरी तरफ कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ, देखिए आगे भी एक मिला, देखिए बाप रे बाप, ये तो कितना मिला, देखिए अभी और एक मिला, बहुत ही बड़ा घटना, ये ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। जो बिहार में शराबबंदी बंद है, जो शराब का बेटी हर जगह मिल रहा है, मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो इधर के अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, इस पर ध्यान दें, नासिकगंज बस टर्मिनल के अंदर ध्यान दिया जाए, नहीं तो ये शराब का अड्डा बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।